हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है, मेरे बच्चों बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है, और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व सेकंड की बात कर रहे थे, और हम लोग ग्लोबलाइकृत जो आपका विश्व है उस पर बात कर रहे थे। और इसी में सबसे पहले हम आपका देख रहे थे महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, यानी के बेसिकली जब हमारा फर्स्ट वार हुआ तो उस समय कैसी अर्थव्यवस्था का स्वरूप था, कैसी स्थिति थी, इसकी हम लोग आपका चर्चा कर रहे थे। और इसी में हम लोगों को पहला विश्व युद्ध दो खेमे हमने देखे, मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का। दूसरा में देखा आपका सेंट्रल पावर, सेंट्रल पावर में हमने जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी और ऑटोमन साम्राज्य को देखा, आपस में कैसे मिले हुए थे। और इन्हीं के आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन साम्राज्य के साथ जापान लग गया था, और इधर मित्र राष्ट्र के साथ आपका यूएस आ गया था। और यही वो दौर था जब आपका ब्रिटेन की जो आपकी अर्थव्यवस्था वो नीचे जाएगी और यहाँ से यूएस आपका उभरेगा। और यही वो दौर है कि एक युद्ध ने जो ब्रिटेन पूरे विश्व पर राज कर रहा था, आज वो इतनी बुरी स्थिति में आ जाएगा एक युद्ध से, ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बहुत सारी चीजें इसमें मैं आपको बता चुका था, यहां तक हम लोग आपका देख चुके थे, इसलिए क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इन सारी चीजों को आपका देखते हैं। तो मैंने बताया था कि 90 लाख से लोग ज्यादा मारे गए, 2 करोड़ से लोग ज्यादा घायल हो गए, बहुत सारे रासायनिक जो हथियार हैं वन का प्रयोग किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। और आप जानते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य को ब्रिटेन ने खत्म कर दिया, और बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन साम्राज्य की जीत, मतलब जो है जो आपके मित्र राष्ट्र थे उनकी जीत हुई, और सेंट्रल शक्ति जो थी, सेंट्रल पावर्स, वो हार गई थी। क्लियर है? और आप जानते हैं ऑटोमन साम्राज्य आपका खत्म हो गया था। और पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? खिलाफत आंदोलन पढ़ा था जो 1928 में आपका शुरू हुआ था, सॉरी 1919 में जो आपका शुरू हुआ था। क्लियर है? और उसी के बाद हमने देखा कि कैसे असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं और बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे अच्छे से, क्लियर हुआ? चलिए देख लीजिए क्या कह रहे हैं। मृतकों और घायलों में ज्यादातर कामकाजी लोग, उन लोगों थे जो महाविनाश के पूरे यूरोप के कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई थी। ये जो महाविनाश हुआ था इसमें जो काम करने वाले लोग थे, जो आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी ग्रुप था, उनकी संख्या कैसी हो गई थी? कम हो गई थी, क्योंकि हर घर से लोग आपका लड़ने के लिए गए थे। जो काम आपके पुरुष करते थे वो आपके महिलाओं को करने लगा है, क्योंकि सब लोग इस युद्ध में आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप का हर एक लोग इसमें लगा हुआ था, और कुछ देश के लोग तो खास कर इस युद्ध में आपका लगे थे। तो इन वजह से ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिली है। परिवार के सदस्य घर जाने से युद्ध के बाद परिवार की आय भी गिरी। लोग जो पैसे कमाने वाले थे, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम था, कोई आपका घायल हो गया, कोई अपंग हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का बमबारी की वजह से जो जो भी कुछ उनका रोजगार था, एग्रीकल्चर मान लीजिए, कोई आपका बिजनेस मान लीजिए, वो पूरा आपका खत्म हो गया, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हमें देखने के लिए मिली। संबंधित युद्ध सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योग का पुनर्गठन किया गया। उद्योग की जरूरतों के लिए मद्देनजर पूरे समाज में बदलाव किया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो औरतों को काम संभालना पड़ा और घरों को औरतों के बाहर निकलना पड़ा। तब तक केवल मर्द ही काम जानते थे। युद्ध के कारण दुनिया भर के सबसे कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध आपका टूट गया। जो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे उनका संबंध, आपसी कनेक्शन टूट गया। अब वे एक दूसरे से बदलना शुरू वहां पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन और अमेरिका बैंक और अमेरिकी जनता फिर से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। अब देखिए, जो पहले अमेरिका एक आपका कर्ज वाला देश था, जिसके पास पैसा था, वो लोगों का कर्ज चुका रहा था, अब वो क्या बन गया? कर्जदाता, यानी कि कर्ज को देने वाला देश बन गया। बस यही वो टाइम है जब यूएस अपनी पीक पकड़ेगा और ऊपर को उठेगा, बाकी सारी कंट्रियां पावर नीचे जाएंगी। क्योंकि युद्ध लड़ते समय आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी कोई कंट्री युद्ध लड़ती है तो उसका बहुत बड़ा आर्थिक जो है क्षति पहुंचती है। युद्ध की पूर्ति के लिए सारे उसके विकास कार्य रुक जाते हैं, जो भी आपके जन भावनाओं के लोगों के लिए जो आपके हेल्पफुल योजनाएं होती हैं वो थम जाती हैं,
आर्थिक गति जीरो हो जाती है। तो इस सारा पैसा कहाँ लगता है? बम बनाने के लिए, उससे संबंधित बाकी चीजों के लिए। तो वहां फिर जब लोगों के पास पैसा नहीं होता, युद्ध लड़ना ही होता है, तो वो दूसरे देश से कर्जा लेते हैं और वो कर्जे में डूब जाते हैं। तो यहाँ पर यूएस से कर्जा ले रहे हैं और यहाँ से यूएस आपका चमक गया। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका और उसके नागरिकों की संपत्ति की कीमत अमेरिका के दूसरे देशों की सरकार और उन नागरिकों का स्वामित्व नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं अधिक ज्यादा हो चुकी थी। यानी कि उनकी चीजें, उनके संपदा, धीरे धीरे ये सारी चीज उनकी बढ़ गई थी। तो ये सारा इम्पैक्ट आपको इस युद्ध के बाद आपको दिखाई देगा। पहले एक बार यहां तक देखिए, फिर युद्ध के बाद क्या सुधार हुए, युद्धोत्तर यानी कि युद्ध के बाद जो रिफॉर्म्स है क्या हुए, उन पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बार पहले आप कुछ पीछे आपका डाउट है यहां तक आप एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आप पीछे को डाउट बना के रह जाएंगे तो आगे हमको वो चीजें साफ नहीं होंगी। क्योंकि युद्ध उत्तर का मतलब है युद्ध से पहले क्या चीजें हुई हैं, उनमें क्या रिफॉर्म करना है, उसकी बेसिकली हम बात करें। देख लीजिए एक बार, बात कर रहे हैं युद्ध उत्तर सुधार, युद्ध के बाद क्या रिफॉर्म हुए। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए रास्ता काफी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ध्यान रखना ये शब्दों को आप याद रखना, युद्ध से पहले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन थी? तो ब्रिटेन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जब तक उसने पहला विश्व युद्ध नहीं लड़ा था। युद्ध के बाद लंबा संकट होने से उसे झेलना पड़ा, जिससे ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था। उसके बाद भारत और जापान के उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजारों में पहली वाली वर्चस्व स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया था, कि पाली वाली चीज बनी रहे ब्रिटेन के लिए बड़ा टफ था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था। सो अलग युद्ध के खर्चों की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका में जमकर कर्जा लेना शुरू कर दिया। पैसा लेना तो कहां से ले रहा है कर्जा? यूएस से। इसका परिमाण मतलब रिजल्ट ये निकला, जब बार बार उसने ज्यादा कर्जा लिया, कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्ज में डूब गया। कैसा हुआ? विदेशी भारी ब्रिटेन कर्ज में आपका डूब गया। युद्ध के कारण आर्थिक क्षय का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि महंगाई, उत्पादन, रोजगार, भारी इजाफा हुआ। पर युद्ध के कारण पैदा हुआ क्षय शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने केंद्रीय भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय की कटौती शुरू कर दी। तत्कालिक शांति करो सहारे पे भरपाई, इन सहारे प्रयास को रोजगार भरी तालाब खत्म हुआ। 1921 में 5-1 ब्रिटिश मजदूर के पास नहीं था, रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में संकट में हुई थी। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादक की हालत पर विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्व यूरोपीय बाजारों में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के बाद आपूर्ति अस्त व्यस्त हो गई। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। यहां पर कैसी हो रही है? कम। और इन देशों में कैसी हो रही? बढ़ रही है। तो कहाँ करेंगे? इस जगह इनको निर्यात करना पड़ेगा। निर्यात करेंगे तो आप जानते हैं इनके पास पैसा पड़ेगा। भैया अगर आप अगर किसी चीज को, किसी देश में अपनी चीज को बेचोगे तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, और खास कर वहां अगर डिमांड हो तो पैसा और अच्छा बढ़ जाएगा। तो ये किसके साथ हुआ? आपका कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यही कारण है कि ये लोग आपका एकदम से बहुत जल्दी डेवलप करेंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, पूर्व यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजार में गेहूं की अति की हालत पैदा हो गई और अनाज की कीमतें गिर गई। अब कह रहे हैं कि ग्रामीण आय कम हो गई, अब अचानक कीमत गिरेगी तो किसान गहरे कर्जे के संकट में फंस गया। अब पैसा था नहीं, अनाज उगाया, उसी साल आपका पैसा गिर गया अनाज, तो जाहिर सी बात है कि संकट का सामना करना ही पड़ा। अब बड़े पैमाने पर अनाज और उपभोक्ता, अमेरिका में सुधार की गति तेज हो रही थी, और हम पहले देख चुके हैं कि युद्ध अमेरिका की अर्थव्यवस्था से कितना फायदा था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए अमेरिका अर्थव्यवस्था को झटका लगा, लेकिन
20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिका अर्थव्यवस्था तरक्की करने पर रास्ते पर बढ़ने लगी थी। कहां बढ़ रही थी? तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी थी। 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बड़ी खासियत थी कि बृहद उत्पादन, मास प्रोडक्शन का चलन। बृहद उत्पादन की ओर बढ़ने के सिलसिले में तो 19वीं सदी के आखिर तक ही शुरू हो चुका था, यानी कि बड़े लेवल पर अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो ये चीज 19वीं सदी में ही आपकी शुरुआत जो थी हो चुकी थी। ये आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कार बनना, फैक्ट्री बनना, साइकिल बनने, बड़ी बड़ी मशीनरी बनना, वो सारा दौर यहाँ शुरू हो चुका था इस समय। अब देखिए, लेकिन 1920 के दशक तक में अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन विशेष बन गया। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादक के विख्यात ब्रांड थे। आपने फोर्ड कंपनी सुनी है? पहले फोर्ड के ट्रैक्टर आते थे, फिर फोर्ड कंपनी आई, तो फोर्ड के जो आपका निर्माता वो कौन है? हेनरी फोर्ड। बड़े मास लेवल पर हुआ और कब? 1920 के आसपास। उन्होंने शिकागो में एक घुचड़ खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉइट पर अपना कारखाना खोला। ध्यान रखिए, कहाँ खोला? डेट्रॉइट। तो कभी भी अगर डेट्रॉइट का नाम आए, समझ लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आपका संबोधित कर रहे हैं। मैनचेस्टर का नाम आए तो आपके सूती कपड़े को बात हो रही है। डेट्रॉइट कहा गया। कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की गई और शिकागो के घुचड़खाने में मरे हुए जानवर को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता था और उन्हें दूसरे सिर में खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकाल देते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ी के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका, समय और पैसे दोनों में आपका क्या हो सकता है? इजाफा हो सकता है। अब आप जाते हैं, एक बेल्ट चलती है जिसको हम कहते हैं आप कन्वेयर बेल्ट। देखिए, इस प्रकार की बेल्ट होती है, उस पर हर आइटम होते हैं, तो यहाँ आपके बहुत सारे इंजीनियर खड़े होते हैं इस तरीके से। जैसे कोई पार्ट गया तो अगर ये वाला पार्ट इस इंजीनियर को असेंबल करना तो वो केवल इसको ही करेगा, किसी को ये पार्ट करने, तो ऐसे करके जब फाइनल यहां पहुंचता तो एक कार आपका उत्पादन हुई मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, तो असेंबली लाइन पर मजदूर को भी एक काम, जैसे एक कार किसी खास पुर्जे को लगाना रहता था, मशीन जो है आपका ढंग में बार बार रहना होता था, काम की तरफ से इस तय होती थी, कन्वेयर बेल्ट किसी तरफ चलती थी। यह काम गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर के उत्पादन को बढ़ाने वाले तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कई मजदूर अपने काम को में ढील करने से पहले कुछ पल अवश्य लेकर और जोखिम नहीं उठा सकते थे। तो इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत नहीं करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि जो हेनरी फोर्ड है, जो फोर्ड कंपनी के निर्माता थे, हेनरी फोर्ड ने कारखानों में असेंबली लाइन को 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकालने लगी। सोच के देखिए, कितने मिनट में? 3 मिनट में कार बन के निकलती थी। ठीक, इससे पहले की पत्ती के मुकाबले रफ्तार कई गुना तेज बढ़ गई। टी मॉडल नामक बृहत कार की पत्ती में पहली बार कार थी, पहली कार आपके निकल के आए। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूर को असेंबली लाइन में पैदा होने वाली थकान झेलने काफी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि वे रफ्तार को किसी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर 1914 में वेतन दुगना, यानी कि $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही अपने वेतन दो गुने कर दिया उन्होंने। अपने कारखाने में ट्रेड यूनियन गतिविधि पर भी पाबंदी लगा दी कि आप यहाँ ऐसे कुछ चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ट्रेड यूनियन में एक नियम होता है कि 8 घंटे काम कराएंगे, छुट्टी देंगे, ये ऐसा करेंगे, फैक्ट्री बंद रहेगी, ये सब चीजें नहीं मानी जाएंगी भाई, क्योंकि मैं सैलरी डबल कर रहा हूँ तो चीजें मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। उसकी भरपाई करने के लिए अपनी असेंबली लाइन को रफ्तार बार बार
बढ़ाने लगे। उनसे मजदूरों का काम बोझ लगातार बढ़ता रहा। अब इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट है। कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्हें अच्छे फैसले कभी नहीं लिए। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों में ही जल्द ही अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में यूरोप में उनकी नकल की जाने लगी। क्या करें लोग, नकल की जाने लगी। और बढ़त आपका यानी कि बड़े लेवल पर उत्पादन पैटर्न बढ़ने लगा। इंजीनियरिंग आधारित चीजों में लागत और कीमतों में आपकी कमी आई। ठीक, बेहतर वेतन के चलते बहुत सारे मजदूर कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु खरीदने लगे। 1919 में अमेरिका में 30 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर आपके 50 लाख प्रति वर्ष के ऊपर पहुंच गया। इससे साथ ही बहुत सारे लोग आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर आदि खरीदने लगे। ये सब चीजें हाई पेयर्स व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीजें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमतें साप्ताहिक या मासिक चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माता और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि में फ्रिजिंग, वॉशिंग मशीन आदि उपकरण में की मांग में इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण खरीदने के या कर्जे पर ही किया जाता था। ठीक, इन सारी चीजों पर आपका ये सारी चीजें आपका करते थे। ठीक, ये आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि कन्वेयर बेल्ट पर काम कैसे होता था। सारी इसमें दिखाई गई नहीं है, कन्वेयर बेल्ट अगर देख लूं मैं, बेल्ट जैसी आपकी चलती थी कन्वेयर बेल्ट उस पर। और ये देखिए फैक्ट्री के बाहर कैसे टी मॉडल की गाड़ियां लगी हुई हैं। इसको बनाने में आपका मात्र 3 मिनट का समय लगता था उस टाइम। सोचिए आप कितना मिनट, 3। चलिए डेट्रॉइट के बारे में थोड़ा सा पढ़िए आप लोग और देखिए क्या कुछ डाउट है, पढ़िए देखिए एक बार। चलिए देख लिया, हैंडी फोर्ड, पूरी बेल्ट, कोई डाउट है किसी का? कन्वेयर बेल्ट तक का सफर देखा आपने, क्या थी कन्वेयर बेल्ट, आपने समझ लिया होगा अब तो, है प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि क्या है आपकी कन्वेयर बेल्ट। कह रहे हैं कि 1920 के दशक के में कब बात कर रहा है, 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण के क्षेत्र में उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका। अब 1920 में एक दौर आया यूएस में कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जाए, यानी कि मकान, दुकान, घर, हॉस्पिटल, कॉलेज, ऑफिस की जो है ऊंची इमारतें या बहुत अच्छी बिल्डिंग बने। अमेरिका से मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरतों की चीजों के लिए निवेश में रोजगार और मांग बढ़ती थी। दूसरी ओर उपभोक्ता भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत थी, जिससे नए रोजगार और आमदनी में वृद्धि हो सके। नए रोजगार उनको चाहिए थे और इसमें आपका वृद्धि हो सके। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दो बार करने लगा। वह दुनिया का सबसे सस्ता कर्जदार देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात में यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी संकट से उभरने में मदद मिली। अगले 6 साल में विश्व व्यापार वृद्धि में काफी सुधार आया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रही। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसी आर्थिक संकट में फंस गया जिसका दुनिया का पहले भी कभी अनुमान नहीं किया था। अब आ गई 1929 की महामंदी, ये पूरे विश्व को अपने लपेट में ले गई। ये वो दौर है जितना आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लोग दुखी नहीं हुए जितने इस समय होंगे। सोच के देखिए ये क्या है, ये महामंदी है। और स्थिति कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी, खाने को कुछ नहीं है, खेत खाली पड़े हैं, कुछ चीज चल नहीं रही है। ये दौर होगा महामंदी का। क्लियर है? चलिए थोड़ा पढ़ते हैं महामंदी कैसी रही यूएस में। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई। यह संकट 30 दशक के मध्य तक बना रहा। दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, आय, रोजगार, व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज हुई। इस मंदी का समय अक्सर देश में एक जैसा नहीं रहा।
लेकिन आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि कृषि क्षेत्र में समुदाय पर सबसे बुरे असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादन की खेतों की खेतिहार उत्पादन में कीमतों में ज्यादा भारी इजाफा समय तक बनी रही। इस मंदी के कारण कई कारण थे। पहले हम देख चुके हैं कि युद्ध उत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी। पहला कारण यह है कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बन गई थी। कृषि उत्पादकों में गिरी कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ने से किसान उत्पादन बढ़ने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमतों पर सही है लेकिन ज्यादा माल पैदा कर सके और अपना आय स्तर बनाए रख सके। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कि कीमतें नीचे चली गईं, खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। जब चीजें ज्यादा पैदा हो जाती हैं या उसका खरीदार ना मिले तो बाजार में वो चीजें गलने लगती, सड़ने लगती। जब वो सड़ जाती है कुछ समय के बाद फिर उनकी कीमतों में उछाल आता है। ये बड़ा नियम है और यही सारी चीजें हैं जो आपका सरकार को मैनेज करनी होती हैं, सरकार को कंट्रोल करनी होती है। शायद इसीलिए गवर्नमेंट होती है जो बाजार में फ्लक्चुएशन आए वो उसको कंट्रोल कर सके, होल्ड कर सके, सबको ध्यान रख सके। ठीक। अब देखिए 1920 के मध्य के दशक में बहुत सारे देशों में अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी विनिवेश सुधारों को पूरा करने लगे। अब ये और दौर है जब यूएस डेवलप हो रहा है। लोग कहाँ आ रहे हैं कर्जे के लिए? यूएस से अपना कर्जा ले रहे हैं। लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिका उद्यमों के होश उड़ गए क्योंकि कुछ लोगों ने कहीं पर पैसा आपका इन्वेस्टमेंट किया होता, वापस कैसे आएगा? 1928 से पहले 6 माह तक विदेश में अमेरिका का कर्ज 1 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर था। साल भर में ही यह कर्ज घटकर केवल 1/4 रह गया। जो देश अमेरिकी कर्ज पर ज्यादा निर्भर थे उन्हें उनके सामने संकट आ खड़ा हो गया। भले ही ये देश सब एक जैसा प्रभाव ना पड़ा हो लेकिन अमेरिका की पूंजी लौटाए जाने पर पूरी दुनिया का असर जरूर पड़ा। यूरोप के कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों में मुद्रा बेस कीमती बुरी तरह से गिर गई। इसके झटके ब्रिटिश पाउंड से नहीं बच पाए। लैटिन अमेरिका और स्थायी किसान में एक कच्चे माल में काफी तेजी से लुढ़कने लगे। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने लग गए। आर्थिक गति में 20 गुना शुल्क करने लग गए और इस फैसले ने विश्व व्यापार की आपके कमर तोड़ दी। क्या कर दी? विश्व व्यापार ने इसकी कमर आपकी तोड़ दी। ठीक। औद्योगिक देश ने भी मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा और झेलना पड़ा। कीमतों की कमी, मंदी की आकांक्षा को देखते हुए अमेरिकी बैंक ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। जो कर चुका थे उनको कर्ज वसूल कर दी गई और किसान की उपज नहीं बेच पा रहे थे। परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप हो गए, आमदनी में गिरावट आने लगी। अमेरिका में बहुत सारे परिवार कर्ज लेने के लिए नाकामयाब हो गए कि कैसे पैसा मिले, इन चीजों पर भटक गए, जिसके चलते मकान कार सारी चीजें कुर्की कर ली गई। आप पैसा नहीं चुकाओगे तो बैंक आपकी चीजें जब्त कर लेती हैं। 20वीं दशक तक उपभोक्ता संपन्नता दिखाई दे रही थी। धूल के गुब्बारे की तरह रातों रात काफूर हो गई चीजें। रोजगारी बढ़ने लगी, दूर दूर तक जाने लगी। आखिरकार अमेरिकी बैंक व्यवस्था धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ ना पा सकने वाले, कर्ज वसूल ना करने पाले, आपके जमाकर्ताओं ने पूंजी ना लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए, सारे बंद कर दिए गए और आपका 400 से भी ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे। 1990 से के बीच में करीबन 1,10,000 कंपनी आपका चौपट हो चुकी थी। तो ये वो दौर था आपका जहां सब बर्बाद हो रहे थे। 1935 से ज्यादातर औद्योगिक देश आर्थिक संकट से उभरने के संकेत दिखाई देने लगे लेकिन समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक लोग दिलो दिमाग पर पूरी छाप छोड़ चुकी थी जो तो जल्दी से आपका मिटने वाली नहीं थी। तो एक बार पूरी महामंदी के आर्थिक संकट को आप अच्छे से देख लीजिए, कैसे महामंदी ने लोगों को जकड़ लिया, कैसे लोग बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं, आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों,
एक बात थोड़ा सा आप इसको पढ़िए कि महामंदी ज्यादा खतरनाक थी कि आपके बाप का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ें, विचार करें, थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।